देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप सिलेबस देख लेंगे कि तो आपको पता आइडिया होगा कि जैसे कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आप, लेट्स से आपने कोई साइट मिली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई साइट सर्च करी कहीं पे, ओके कोई ऐप, तो आपको पता होगा कि कौन से पेपर में आएगा, कौन से पेपर में आएगा, मीन्स GS 1 के अंदर आएगा। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि इस टॉपिक को किसके अंदर कवर किया जा सकता है और इसको किस एग्जाम्पल के अंदर यूज़ किया जा सकता है, ओके तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बनेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस, जब आप सिलेबस पे जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीका का आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, सोर्सेज आपके क्या क्या होंगे। सो नाउ विल डिस्कस GS 1 के अंदर क्या क्या आता है। GS 1 के अंदर सबसे पहले आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। ये जो होते हैं ये 3 टॉपिक है, 1, 2 and 3, ठीक है। नाउ इंडियन कल्चर के अंदर क्या क्या आएगा, सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म, जो भी आर्ट फॉर्म्स है वो हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या क्या आएगा, 18th सेंचुरी तक आएगा, प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट जो भी है, पर्सनैलिटीज जो हैं, इश्यूज उनके क्या क्या हैं। नाउ फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब 1947 का फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसके अंदर स्टेजेस आएंगी इसकी, इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर 1947 क्या हुआ था, दैट इज अ पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। नाउ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएगा, जो भी 18th सेंचुरी के जो भी इवेंट आए हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उनके फॉर्म्स और उनका इफेक्ट क्या था सोसाइटी पे, दीज आर द सिलेबस ऑफ GS 1। आई रियली रिक्वेस्ट कि आप चाहे तो इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आपको यू मस्ट नो कि एग्ज़ाम में GS 1 मेंस के अंदर क्या होता है उसका सिलेबस, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके।